जय जोहार, मैं हूँ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ के सुपर फाइव खबर में आप मन के स्वागत हवे। ए महामन देख बोंग छत्तीसगढ़ में दिन भर के टॉप 5 खबर ला। 23 अप्रैल के प्रदेश में 3 चरण के तहत लोकसभा चुनाव खत्म हुई। ईवीएम वीवीपैट ला स्ट्रांग रूम में रख दे गए है। फिर अभी तक ले कोनो भी राजनीतिक दल है विशेष निगरानी करे बर आयोग ला आवेदन नहीं दे है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है घलो ईवीएम ला लेके आशंका जताए रही से। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है कहिस की यदि कोनो भी राजनीतिक दल कोती ले विशेष निगरानी पर आवेदन दे जाते तो वह विचार जरूर कर जा सकत है। वह कही सब की बीते विधानसभा चुनाव में घलो राजनीतिक दल है आवेदन करे रही से जेकर तहत उमर ला अनुमति दे गए रही से। सेकेंड और तीसरा घेरा के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रतिनिधि अगर वो रखना चाहते हैं 24 घंटा रखना चाहते हैं, रात को सुलाना चाहते हैं, नजर रखना है उनको ऐसा लगता है, स्वागत है। लिखित आवेदन के पश्चात उनको अनुमति दी जा सकती है और उसमें वहाँ पे उनको रहने और पढ़ने की व्यवस्था होगी। उसमें जो सीसीटीवी कैमरे का जो फीड है, लाइव फीड है, उसका एक टीवी स्क्रीन पर उनके लिए वहाँ पर सहूलियत के तौर पर वहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे मुझे उम्मीद है कि वो संतुष्ट रहेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव है खत्म हो चुके हैं। अब राजनीतिक दल है अपन जीत हार ला लेगे खुदे में रमे हैं। संगे में ही मतदाता मन कोती ला ईवीएम में डालेगे वोट में खास निगरानी घलो करे थे। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम ला सुरक्षा बल के निगरानी में रख दे गए है। फिर कांग्रेस के मानना है कि मतदान के बाद ओला कोनो भी प्रकार के छेड़छाड़ न हो, एक निगरानी पर विशेष दल बनाया जाए और स्ट्रांग रूम में निगरानी पर उपस्थित घलो रही एवं प्रत्याशी और पार्टी के एजेंट मौजूद रही। एक पर चुनाव आयोग ला आवेदन दे जाते। आप मल्ला बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपन प्रत्याशी और पार्टी एजेंट ला स्ट्रांग रूम में निगरानी पर लगाए रही से। वही कांग्रेस ने ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी है निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास जताया है। भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद पासनी है कही कि बीते विधानसभा चुनाव में घलो कांग्रेस अपन विशेष निगरानी दल बना के स्ट्रांग रूम के आगू में बिठा रही से। फिर भाजपा है बेरा घलो कोनो भी विशेष दल के गठन नहीं कर रही से। इधारी घलो लोकसभा चुनाव में कोनो भी विशेष निगरानी दल के गठन नहीं करेगी है। उपासनी है स्ट्रांग रूम में रखे कोनो भी मशीन में छेड़खानी ला दरकिनार करते हुए कही से कि पार्टी ला आयोग के कर्मचारी मनु पर पूरा विश्वास और निष्ठा है। बहरहाल अब राजनीतिक दलों मतदाता मन के नजर है सीधा चुनाव परिणाम में हुए जे है 23 मई के घोषित हो ही। तब तक सबले ज्यादा राजनीतिक दल मन में उहा पोह की स्थिति देखे जाती। देश टीवी पर स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग है देश भर में 7 चरण में लोकसभा चुनाव 2019 ला आयोजित करे है। वही छत्तीसगढ़ में 3 चरण के अंतर्गत लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मतदान सामग्री यानी ईवीएम और वीवीपैट ला कड़ा सुरक्षा के बीच प्रदेश के सबो जिला में बने स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के ईवीएम ला सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रखे गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है मीडिया ला उस स्ट्रांग रूम में रखे गए सबो ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के बारे में बताई से। वह जानकारी देते हुए बताई की सुरक्षा घेरा में 3 लेयर के निगरानी करे गए है। संगे वही में जिला पुलिस बल के कोनो भी महकमा सुरक्षा में शामिल नहीं है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा पर सीएफएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ला नियुक्त करे गए है। एक संगे में ही चुनाव आयोग राजपत्रित अधिकारी ला घलो विशेष जिम्मेदारी दे गए है। स्ट्रांग रूम ला सीसीटीवी कैमरा ले लैस करे गए है। सीओ कही सवे की कोनो ला भी बिना अनुमति के भीतर नहीं जान देवाए यानी स्थान में परिंदा घलो पर नहीं मार सका। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है बीते विधानसभा चुनाव के मौका में कुछ जिला में स्ट्रांग रूम में सुरक्षा घेरा में चूक ला दरकिनार करी और एमा बिना अनुमति प्रवेश के मामला बताई से। वह बताई सब केदारी के सुरक्षा ला और ज्यादा चुस्त कर दे गए है। ऐसे मामला में कड़ा कार्यवाही के निर्देश घलो दे गए है। देश टीवी पर सौरभ भट्टाचार्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जम्मो 11 लोकसभा सीट में मतदान खत्म हो के संगे में ही अब मंत्री मन ला आदर्श आचार संहिता में आंशिक छूट मिल गई है। मंत्री मन हा अब अपन क्षेत्र के दौरा और समीक्षा बैठक करे बर अधिकारी मन ला निर्देश दे बर और निविदा घलो बुलाया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कोती ले सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ला जारी पत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देश के आधार में 23 अप्रैल के मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंत्री मन ला अधिकारी मन के संग दौरा में छूट के संग जमीन में चलत योजना मन की समीक्षा और क्रिया के छूट चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी मल्ला छोड़ के दूसर अधिकारी मन के संग में योजना के समीक्षा और मुख्यालय में अधिकारी मन के संग समीक्षा बैठक के छूट दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी। शिवसेना छत्तीसगढ़ कोतीले
श्री रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन 27 अप्रैल के करे जाही। 35 बछर ले होवत ये आयोजन हर बछर रामनवमी के मौका में ही करे जाते। फिर ये बछर में रामनवमी के बात करे जाते। शिवसेना छत्तीसगढ़ के महानगर प्रमुख सुनील कुकरेजा बताइस की शोभा यात्रा ला भव्य रूप ले निकाले जाही। लोकसभा चुनाई के सेती रामनवमी के मौका में शोभा यात्रा देरी ले निकाले जाते। प्रदेश अध्यक्ष धनंजय परिहार हा शोभा यात्रा पर करेजात व्यवस्था के कमान ला संभाला थे। शोभा यात्रा हा फूल चौक ला शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, मालवी रोड, चिकनी मंदिर चौक, सिटी कोतवाली चौक, सदर बाजार, सद्दानी चौक, सत्ती बाजार, आजाद चौक, हांडी पारा, ललिता चौक, बरही पारा, राम सागर पारा, गुरु नानक चौक, एमजी रोड ले गुजर के फूल चौक में खत्म होगी। इसी तरह इस वर्ष भी रामनवमी की शोभा यात्रा शिवसेना द्वारा निकाली जा रही है फूल चौक से। इस बार थोड़ा हम लोग इसीलिए लेट कर दिए कि चुनाव था, चुनाव के कारण बाहर से हमारे कार्यकर्ता नहीं आ पाते, इसीलिए हमने इस बार लेट करके 27 अप्रैल को शाम 5 बजे जैसा नवीन बाजार से शोभा यात्रा निकाली। जैसे धार्मिक झांकियाँ रहेंगी, अखाड़े रहेंगे, अस्त्र शस्त्र रहेंगे, अस्त्र शस्त्र के साथ निकालेंगे। महाराष्ट्र से तो कोई नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में अगले दिन 28 तारीख को बम्बई में इलेक्शन है, इसलिए नहीं आ पा रहे। पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परियार जी के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर के अलावा सरगुजा से आ रहे हैं, बिलासपुर से आ रहे हैं, रायगढ़ से आ रहे हैं, चापा से आ रहे हैं, जांजगीर से आ रहे हैं, यहाँ दुर्ग, राजनांदगांव, हर जिले से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। फोन टेपिंग मामला में आज मुकेश गुप्ता न्यायालय के आदेश के बाद बयान दर्ज करे पर ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंची से मुकेश गुप्ता ला नान घोटाला के जांच में गड़बड़ी और फोन टेपिंग के मामला में आरोपी बनाए गए रही से। वह बयान दर्ज कराए के बाद मीडिया ले चर्चा करत हुए कहिस कि अधिकारी मन कोथी ले एक घाव में बयान ला काबर दर्ज नहीं ली से, एक बार मां ले लेना रही से। बयान अभी चल रहे हैं, ये बयान आगे करना चाहते थे कल, मैंने इनसे कहा बयान मुझे आज ही करना है क्योंकि आपने मुझे आज की नोटिस दी है, ये दूसरा बयान नहीं लेना चाहते थे। निलंबित मुकेश गुप्ता के जांच के बाद ईओडब्ल्यू के आईजी जीपी सिन्हा कही से ये पूरा जांच प्रक्रिया है जेमा भी बयान 4 बजे एक घंटा फिर हुई। जांच प्रक्रिया के जे नियम हमें ओकर उल्लंघन नहीं करे जा सके। देखिए ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन के जो विषय है वी नॉर्मली डू नॉट डिस्क्लोज, ये बात सही है कि आज आईओ के द्वारा नोटिस दिया गया था और विवेचना से संबंधित जो भी जानकारियां प्राप्त कर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के जांच करवाही पूरा नहीं हुए है। मुकेश गुप्ता ला ईओडब्ल्यू कोथी ले जांच पर दोबारा बुलाए गए हैं। देश टीवी पर रीचा सहाय की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के टॉप 5 खबर में अपडेट पाए बर हमारे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करो और हमारे फेसबुक पेज ला घलोक लाइक करो। जय जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।